तो पता कहाँ है। हेलो, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज है संडे और हमारे यहाँ हो रही है सुबह से झमाझम बारिश। बहुत तेज़ हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है सुबह से। सुबह थोड़ी बहुत हुई है और इस टाइम ना थोड़ी सी बंद हुई है और मुझे जाना था पार्लर लेकिन सॉरी इस बारिश की वजह से मैं जा नहीं पाई और मेरे घर में हर तरफ कपड़े बिखरे हुए हैं जो कि मैं दिखा नहीं सकती कहाँ कहाँ है। सो एनीवेज तो बस मैंने ऐसे ही वीडियो स्टार्ट कर दिया और ये भी आ गए और इसका भी हम लोगों ने सोचा था या तो बाल कट करा दें या तो इसको हम लोग टकला बना दें तो वो भी नहीं हो पाया क्योंकि हो रही है बारिश तो इसके वजह से कुछ नहीं हो पाया। चलो देखते हैं नेक्स्ट मंडे आई थिंक हो जाए तो फिर आज है संडे तो संडे को ऑब्वियसली सब जगह कुछ ना कुछ तो बनता ही है स्पेशल, है ना। आप लोगों के यहाँ क्या क्या बना प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो। और मेरे यहाँ बनने जा रहा है चिकन और सुबह का मैंने वो डोसा खाना सब कुछ बना लिया है तो अब बनेगा अब बनेगा चिकन तो बस उसकी तैयारी करने जा रही हूँ मैं। और इतनी बारिश में यार मतलब क्या करूँ, मैंने भी सोचा चलो बना लेते हैं, बहुत दिनों से यहाँ पे बना नहीं था। चलो चलते हैं। और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया शाम से मतलब इस टाइम से और सब कुछ पहले ही कर लिया है और डोसा मैंने बनाया हुआ था जो कि मेरा डोसा नज़र न लगे हाय मेरे डोसे को आज जाके परफेक्ट बना है। मैं बड़ी खुश हो गई थी कि ओहो अब तो बन गया। तो चलो अब चिकन की तैयारी करते हैं। जा रही हूँ मैं प्याज कट करने जो कि आँखों में बहुत लगेगा, बापरे बापरे बहुत लगता है ये वाला प्याज। कुछ कुछ प्याज होते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा लगते हैं तो ये वाले जो आए हुए हैं ना वो बहुत लग रहे हैं तो चलो जाती हूँ मैं प्याज कट करने में। थोड़ा सा चाय पी लूँ क्योंकि एनर्जी आ जाएगी ना, है ना। आप सबको अब तक तो पता ही चल गया होगा मेरी एनर्जी ड्रिंक है चाय। चलो चाय बनाते हैं फिर उसके बाद प्याज कट करते हैं फिर थोड़ा बहुत पूरी रेसिपी तो नहीं थोड़ा थोड़ा कुछ करके ऐसे दिखा दूंगी मैं कि मैंने चिकन कैसे बनाया। हाँ बस ऐसे दिखा दूंगी। चलो ये देखिए शेवी ना मेरा बाल बना रही है। उनको ये सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज संडे था तो मैंने बाल धुला हुआ था तो उसने बोला कि मम्मा मैं आपका बाल सही कर दूँ मैं आपके बाल को कॉम्ब कर दूँ। तो मैंने बोला ठीक है कर दूँ। अभी तो मतलब बाल बहुत सूखे हुए नहीं थे, गीले ही थे लेकिन फिर भी वो कर रहे थे तो मैंने बोला कि ठीक है कर दो। और ये देखो हमारे यहाँ यार बारिश इतनी हो रही है ना कि पूरे कपड़े मैंने ना इधर उधर घर में फैलाए हुए हैं और इतने जगह फैलाए हुए हैं कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती कहाँ कहाँ फैलाए हुए हैं, मतलब पूरे घर में इधर उधर कहीं तो लगे हुए ही हैं। और ये अपने साइकिल में है और ये बात इतना करता है कि मतलब अगर इसकी बात कोई सुने तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी इतना बात करेगा क्योंकि ये जब छोटा था ना तो बहुत शांत था। तो मैंने जो डोसा बनाया हुआ है ना उसकी थोड़ी सी मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है थोड़े से मोटे वाले चावल, मैं डोसा बनाने के लिए मोटे वाले चावल ही यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है ना थोड़ा सा डोसा बहुत पता नहीं क्यों क्रिस्पी होता है। वैसे अगर आपके पास अदर कोई भी चावल हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है उड़द की दाल जिनको दोनों को मैंने बहुत अच्छे से धुल लिया है, 2-3 बार मैंने धुल लिया है। और इसमें डाल देती हूँ मैं 2 चम्मच मेथी। मैंने अपने फैमिली के अकॉर्डिंग 1 कप चावल का मतलब चावल और 1 कप थोड़ा सा कम उड़द की दाल ली हुई है तो 2 चम्मच मैंने इसमें डाला हुआ है मेथी। और उसके बाद इसको भिगा के मैं रख दूंगी, पूरे रात भर छोड़ दूंगी। वैसे थोड़ी सी टिफ़िन छोटी बर्तन छोटा लग रहा है उसको मैं दूसरे में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और ये सब अच्छे से भीग गए हैं। 5-7 घंटे तक मैंने इसको भिगा के रखा हुआ था। उसके बाद हम इसको पीस लेंगे तो पीसने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसमें पीस लूँगी
बस ऐसे ही हम अपना फाइन पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही फाइन होना चाहिए, बिल्कुल फाइन होना चाहिए, मतलब बिल्कुल पतला और बिल्कुल सिल्की स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिक्स करके मैं पूरे रात भर इसको छोड़ दूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से फॉर्मेट हो जाए, मतलब कि इसमें बहुत अच्छे से खमीर आ जाए, जो हम खट्टापन बोलते हैं ना वो आ जाए। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो। और ये देखिए कितना ज़्यादा खमीर हो गया है कि मतलब मुझे दो दो में ट्रांसफ़र करना पड़ा, एक छोटे वाले में और एक इसमें, तो बहुत ज़्यादा हो गया था खमीर। तो अब चलो बनाना स्टार्ट। सो ये मैंने तवे पे अच्छे से इसको फैला दिया है, स्प्रेड कर दिया है और किनारे किनारे डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, सिर्फ थोड़ा सा। फिर इसको थोड़ी देर पकने देते हैं और इसको हम फिर से टर्न कर लेंगे, मतलब नीचे से इसको हम निकाल लेंगे। और मेरा डोसा बहुत अच्छा बन रहा था, सॉरी नज़र ना लगी, क्योंकि बीच में लग रहा था ना, मुझे नज़र लग गई है, मेरे से डोसा बन ही नहीं रहा था। सो ये देखो मैंने अच्छे से इसको पलट भी लिया और अब इसको निकाल देती हूँ। देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है, पूरी बारीकी से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे ही करना रहता है, मुझे बनाना भी है, मुझे रिकॉर्ड भी करना है, और इसलिए कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं हो पाता है। सो ये मेरा डोसा रेडी। और ये देखिए वाओ, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, मैंने जस्ट ऐसे ही ले जाके ना करेले का बीज अपने पौधों में ऐसे किनारे किनारे डाल दिया था कि जब बारिश होगी तो ये आ जाएंगे। और ये देखो कितने जल्दी आ भी गए, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि अरे वाह करेला आ गया। फिर उसके बाद अब रात की तैयारी होगी चिकन विकन बनाने की, डिनर। सो यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची और ये पूरे खड़े मसाले जितने भी हैं सब कुछ मैंने अच्छे से काट लिया है और रख लिया है सेपरेटली। और अब रेडी होगा, मतलब उसको बर्तन रखेंगे बनाने के लिए। तो ये बड़ा सा भगोना है, ये गंदा नहीं है, प्लीज़ कोई बोल ये मत बोलना कि ये कितना गंदा हुआ है, पता नहीं क्यों इसमें ना ऐसे छोटे छोटे दाग लग गए हैं। और यहाँ का पानी ना ऐसा ही है, पता नहीं ऐसे वाले बर्तन ख़राब हो जाते हैं, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है पानी। तो बस ऑयल डाल के सारे मसाले डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, ये सब मिर्ची उर्ची डाल देंगे। और इतना सारा मुझे बनाना था 7 लोगों के लिए बनाना था। और फिर मैं यहाँ बाटी भी बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने आटा लिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला हुआ है और अजवाइन, मंगरेल और ऑयल डाल के मैं बाटी बना लूँगी। तो ये देखो मेरा चिकन भी रेडी हो गया, बाटी भी रेडी हो गई, बस सब लोग खाएंगे। उसके बाद खाने के बाद जो मेरी हालत हुई मिलने। और ये रहा अनियन, तो चलो हम लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बर्तन की टेंशन करेंगे। और ये मेरा चावल भी रेडी है, सब कुछ मैंने बना लिया हुआ है, सब कुछ बना लिया है। सो एवरीवन, खाना बनाते बनाते खिलाते खिलाते यार मेरी तो हालत ही खराब हो गई पूरी, सब कुछ हो गया है। और मेरी आंखें देखो कितनी चढ़ी हुई लग रही है, चढ़ी हुई मीन्स की मतलब बहुत थक गई हूँ और मुझे बिल्कुल नींद आ रही है। मन तो कर रहा है कि अभी मैं सो जाऊँ, चोट भी लग गई, अभी मैं सो जाऊँ। और देखो मेरी मतलब मुझे सर्दी भी लग रहा होने वाली है। सो बस यही सब करते करते मेरा पूरा दिन ख़त्म हो गया, रात भी अब बस होने, सॉरी रात भी अब क्या 12 बजने वाला है, तो अब ख़त्म ही हो गई ना। सो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और जो सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होती है ना उसे प्रेस कर देना कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए ट्रिंग करके। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो में कुछ भी थोड़ी सी भी कमी भी दिखती हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो चलो अब मैं जा रही हूँ सोने, बाय बाय, गुड नाइट।